दुश्मन के गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे। ऐसा कहना था भारत के वीर पुरुष चंद्रशेखर आज़ाद का। मात्र 24 साल की उम्र में चंद्रशेखर आज़ाद ने इस देश के लिए शहीद हो गए थे। तो आज इस वीडियो में चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्यों हिंदी पर। मैं हूं अफनो सिंह। आज़ादी को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद का जो जज्बा था वो ऐसा था कि वो पीठ पर कोड़े खाते रहे और वंदे मातरम का उद्घोष करते रहे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म आज ही के दिन यानी 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव में हुआ था। 1920 में मात्र 14 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आज़ाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आज़ाद आखिर कैसे पड़ा, ये बात है 1920 की, जब वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। उनकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी। उस वक्त वो गिरफ्तार कर लिए गए, जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए। यहाँ जज ने जब उनका नाम पूछा तो बड़ी दृढ़ता से उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, और जब पिता का नाम उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया स्वतंत्रता, और जब उनका एड्रेस पूछा गया तो उन्होंने बताया जेल। इस पर जज ने उन्हें सरेआम 15 कोड़े लगाने की सजा सुनाई। ये वो पल था जब उनकी पीठ पर 15 कोड़े बरस रहे थे और वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। यही वही दिन था जब देशवासी उन्हें आज़ाद के नाम से पुकारने लगे थे। उसके बाद बात है 1922 की। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। उसके बाद देश के तमाम नायकों की तरह ही आज़ाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया था, जिसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। चंद्रशेखर आज़ाद भी इस दल में शामिल हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एसपी सैंडर्स को गोली मारकर लाला राय की मौत का बदला लिया था। आज़ाद राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने सरकारी खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि यह धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेजों ने लूट लिया है। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आज़ाद ने 1925 में काकोरी कांड में भी भाग लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे। उनके इस नारे को एक वक्त था कि हर युवा रोज दोहराता था। वो जिस शान से मन से बोलते थे हजारों युवा उनके साथ जान लुटाने को तैयार हो जाते थे। और फिर आखिरी में वक्त आया 27 फरवरी 1931। उस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद की उम्र मात्र 24 साल थी। चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने अन्य एक साथी के साथ कुछ योजना बना रहे थे। अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आज़ाद ने पुलिस पर गोलियां चलाई ताकि उनके साथी सुखदेव बचकर निकल सकें। पुलिस की गोलियों से आज़ाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने काफ़ी देर तक लोहा लेते रहे। आखिर में उन्होंने अपना नारा आज़ाद है आज़ाद रहेंगे, अर्थात न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी को याद किया। इस तरह उन्होंने पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने शरीर को त्याग दिया, लेकिन आज भी वो अमर हैं। हर युवाओं के दिलों पर राज करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये थी उनकी कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं फिर ऐसी किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।